अवल बनाने की विधि। एक बर्तन में पोहा लेकर इसे इमली के पानी में भिगो देंगे। इस बीच गर्म पैन में तेल, राई, जीरा, फल्ली, चना दाल, उड़द दाल, हींग, सूखा लाल मिर्च, हरी मिर्च, हल्दी, कड़ी पत्ता भी डालकर मिलाते रहेंगे। अब इसमें गुड़ भी मिलाएंगे और फिर ये भिगोया हुआ पोहा। थोड़ा सा पानी भी डालकर इसे ढक्कन के साथ 1 मिनट के लिए हम पकाएंगे बिल्कुल धीमी आंच पर। अब एक दूसरे पैन में तिल डालकर इसे हम सूखा भूनेंगे और इसे अब कूट लेते हैं बढ़िया एक मोटा इसका पाउडर तैयार करने के लिए। अब देखिए ये तैयार है। इसे हम पोहा में डालकर हल्का मिला लेते हैं और अब गैस बंद कर देंगे और बस हरा धनिया से इसे हम गार्निश करके गर्मा गर्म इसे हम सर्व करेंगे।